नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं नारकोटिक्स ड्रग्स के बारे में। अब ये नारकोटिक्स ड्रग्स क्या है, इसको हमेशा नेगेटिव वे में लिया जाता है, और ये नारकोटिक्स यानी नशीली दवाएं क्या होती है, और इसके लिए हमारे देश में कौन सा कानून बना है, आइए आज समझते हैं इसी पॉइंट को। व्हाट आर नारकोटिक ड्रग्स, नशीली दवाएं। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉइजी में। एनडीपीएस सब्जेक्ट हम लोगों ने सुना है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इन्हें भारत में नशीली दवाओं को रेगुलेट करने के लिए, नशीली दवाओं से संबंधित कोई व्यक्ति उसका प्रोडक्शन करता है, उसे सेल करता है, उसको अपने पोजेशन में रखता है, कोई व्यक्ति नशीली दवाओं का सेवन करता है, इन सबको रोकने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भारत में कानून बनाया गया है, जिसका नाम है एनडीपीएस एक्ट, शॉर्ट में इसे कहा जाता है। और इसका एब्रीविएशन देखें तो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में ये बनाया गया था। राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा इसे असेंट दी गई थी, सहमति दी गई थी, अनुमति प्रदान की गई थी, और उसके बाद ये संसद द्वारा बनाया गया कानून 14 नवंबर 1985 से ये लागू हो गया। अब ये नारकोटिक ड्रग्स होती क्या है, ये नारकोटिक्स किसे कहा जाता है, आइए समझने के प्रयास करते हैं। एनडीपीएस एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है हमारे देश में। जितनी भी नशीली सब्सटेंस हैं, जो भी मन को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व हैं, जितनी भी दवाइयां हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। तो ये नारकोटिक ड्रग्स का जो यूज है, यानी इनका जो उपयोग है, विक्रय है, प्रोडक्शन है, इन सभी को ये कवर करता है, उन सबको रेगुलेट करता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है इनका उपयोग, इसीलिए इसके ऊपर रेगुलेशन करना जरूरी रहा। ऐसे ड्रग्स, अब इन ड्रग्स को यदि हम समझे, नशीली दवाओं को समझे, तो ऐसे ड्रग्स, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो पेन रिलीफ पहुंचाते हैं, मतलब एक प्रकार की दवाइयां हैं जो पेन रिलीफ, मेरे दर्द के निवारण में काम आती है। यदि किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना हो किसी शरीर के हिस्से का, तो वहां तक यदि उस हिस्से तक यदि उसको कोई दर्द ना होगा तो इजीली ऑपरेट हो पाएगा, और दर्द होगा तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो पेन रिलीफ के लिए नारकोटिक ड्रग्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसका पॉजिटिव पक्ष है, यानी इसका ये उजला पक्ष है। साथ ही साथ स्लीप एंड अनकॉन्शियस, किसी को अनकॉन्शियस रखना हो, या स्लीप यानी नींद देनी हो, या बेहोशी की बात करनी हो, तो उसके लिए भी नारकोटिक्स ड्रग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और इस प्रकार चिकित्सा में, यानी इन मेडिकल फील्ड, इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। लेकिन जो तीसरी जो उसकी क्वालिटी है, वो है एडिक्टिव क्वालिटी, एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है लत लग जाना। इसमें एक और खासियत होती है इन दवाइयों की, एक बार व्यक्ति लेता है तो उसको बार बार लेने की इच्छा होती है, और एक प्रकार से उसे आदत आ जाती है, और यही जो एडिक्शन है, इसी वजह से इसके ऊपर कंट्रोल करने की ज्यादा जरूरत महसूस हुई। तो इसमें एडिक्टिव प्रॉपर्टीज होती है, एडिक्टिव प्रॉपर्टीज मतलब लत लगने का मतलब एक आदत होती है, उस आदत को व्यक्ति छोड़ा नहीं पाता है, और ये आदत आगे करते करते इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है कि व्यक्ति नशीली दवाओं का सेवन करने लग जाता है, उसके वजह से उसके मानसिक नियंत्रण खो देता है, और धीरे धीरे फिर वो पूरा का पूरा अनकॉन्शियस स्टेट की ओर बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जाने वाली दवाएं भी इसको कहा जा सकता है, इसीलिए नशीली दवाएं को नारकोटिक ड्रग्स कहा जाता है। नारकोटिक ड्रग्स नॉर्मली ओरली, अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं, ओरली भी ली जा सकती है, और यदि हम चिकित्सा में देखें तो थ्रू इंजेक्शन करके भी दी जाती है। और इस प्रकार ये जो नारकोटिक ड्रग्स होते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग रिलैक्सेशन, एक प्रकार का रिलैक्सेशन देते हैं, लेकिन ये एडिक्ट भी बना देते हैं व्यक्ति को, उसका एडिक्ट बना देते हैं, और इस वजह से इसका मिसयूज होने लगता है, और इसी वजह से हमारे देश में कानून की आवश्यकता महसूस हुई कि इनको रेगुलेट करने के लिए, इन दवाओं को रेगुलेट करने के लिए हमारे देश में कानून होना चाहिए, और उस कानून का नाम है एनडीपीएस एक्ट 1985। तो खास बातें यह है कि ये दवाएं दोनों पक्ष, इसके सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष की ओर देखें तो जो भी व्यक्ति दर्द से गुजर रहा है, उस दर्द से सफरिंग को ये क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। किसी व्यक्ति में वरी या चिंता, क्योंकि मानसिकता पे नियंत्रण कर देती है, मानसिकता को शिथिल कर देती है, तो व्यक्ति की जो चिंताएं हैं, चिंताओं से वो थोड़ा सा फ्री हो जाता है, तो एक प्रकार से उसे आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। फियर, कोई डर है तो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि मानसिक नियंत्रण ये खो देता है व्यक्ति। और पैनिक, यदि कोई व्यक्ति किसी पैनिक में है तो वो पैनिक भी कम कर देता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति इसका एडिक्टिव इसलिए हो जाता है क्योंकि एक आनंद की अनुभूति देता है, दुख तकलीफ जो है व्यक्ति भूल जाता है, और मन पे जो नियंत्रण है वो हट जाता है, और इस वजह से लोग नारकोटिक ड्रग्स का सेवन करने लग जाते हैं, और इस वजह से इसका इलीगल ड्रग्स का जो इलीगल सप्लाई जो है वो बढ़ गया है, इसका प्रोडक्शन करना, यूज करना, सेल करना। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए हमारे देश में एनडीपीएस एक्ट बना है। चूंकि ये नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करती है, हमारे शरीर में अनेक सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है,
सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। वो नर्वस सिस्टम जो है मस्तिष्क और नर्व और स्पाइनल कार्ड से मिलकर बना होता है, और इस नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट काम ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। आप लोगों ने सुना होगा यदि हमें पैर पे जरा सी कील भी चुभती है तो एकदम जब चुभते से ही वो पूरी उसकी जो अनुभूति होती है वो अनुभूति मस्तिष्क तक होती है और मस्तिष्क उसको इशारा करता है और पैर एकदम हम झटके से ऊपर कर देते हैं। यदि हमें करंट लगे तो एकदम हम झटका हमें आता है। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है मतलब नर्व जो है होती है वो नर्व संदेश पहुंचाती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से संदेश लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाती है और वो मस्तिष्क उसको शरीर के अंग को ऑर्डर कर देता है। लेकिन यदि नार्कोटिक्स ड्रग्स व्यक्ति ने ली है तो ये रिफ्लेक्स एक्शन की जो चेन है उसको ये ब्लॉक कर देता है। तो ये नर्वस सिस्टम जो है ये नर्वस सिस्टम में ये ब्लॉकेज पैदा करता है, रिसेप्टर और रिएक्शन के बीच में एक ब्लॉकेज पैदा हो जाता है, व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता है और इस प्रकार से उसको मस्तिष्क में उसके शरीर में होने वाले जो एक्शन है और रिएक्शन है वो पता नहीं चल पाते हैं और ये काम करती है नार्कोटिक ड्रग्स। तो ये बहुत ही खतरनाक भी होती है, इसका उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जितना चिकित्सा के लिए जरूरी है उतना ही उसका उपयोग होना चाहिए, उससे ज्यादा इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। इसको कंट्रोल करने के लिए NDPS एक्ट हमारे देश में बनाया गया है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। 14 नवंबर 1985 को ये कानून लागू हो गया था हमारे देश में। इसका काम है नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को रेगुलेट करना और कंट्रोल करना। तो ये था मित्रों नार्कोटिक ड्रग्स क्या होता है और इसके ये किस प्रकार से कार्य करता है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।